वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे वी डायबिटिक हेल्थ किचन में। आप सोच रहे होंगे हेल्थ किचन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे हेल्थ किचन में हम आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड रेसिपीज़ या डिशेस बनाना सिखाएंगे जो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो और आपके हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल हो, वो भी उन इन्ग्रीडियंट से जो आपके किचन में ईजिली अवेलेबल हो और ईजी टू कुक भी हो। तो अब हम चलते हैं निधि के पास, जो एक डाइट एक्सपर्ट है। तो निधि, आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगी? आज हम बनाना सीखेंगे एक हर्बल टी, या चाहे आप इसे हर्बल ड्रिंक भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है इम्यून टी, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से मेंटेन करेगी, साथ ही साथ आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यून टी बनाना। तो इम्यून टी के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना, जो कि आप सबके किचन में इजीली अवेलेबल रहती है, और अदरक, जो कि सर्दियों में और नॉर्मल भी घर में खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती है, और हल्दी, जो कि मसालों की महारानी है, और नींबू। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इम्यूनिटी बनाना। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें भगोना रख लेंगे और 2 ग्लास हम पानी ऐड करेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अब हम इसमें डालते हैं अपनी सामग्रियाँ। मेथी, आधा चम्मच हम मेथी ले लेंगे और आधा चम्मच ही हम कुटा हुआ अदरक ले लेंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे अच्छे से, और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब इसे भी हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से खौलाएंगे, और जब तक कि अच्छी स्मेल ना आ जाए और जो इन सब सामग्री इनकी कचान ना निकल जाए। तो इसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। हो गए हैं 3 से 4 मिनट हुए हुए बॉईल करे हुए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि जो भी सारी चीज़ें हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाए, जितने भी उसके कंपाउंड्स हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिट होते हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाए और अपना फ्लेवर भी छोड़ दें। ढक करके रखे हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इस टी को हम छान लेते हैं, और इसमें हम मिलाएंगे 1/2 से 1 चम्मच नींबू का रस। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप इसे सुबह सुबह मॉर्निंग में लीजिए इम्यूनिटी को, और इन्जॉय करिए। निधि, आपकी चाय बनके तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। लीजिए, आप ट्राई करके बताइए इसे। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, पी के देखते हैं। पीने में भी काफ़ी अच्छी है। ये हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही हेल्दी चाय है। एज़ द नेम सजेस्ट, ये इम्यून टी है। तो ये हमारे इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, और साथ के साथ इसमें करक्यूमिन कंपाउंड होता है जो कि बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है। तो आप इसे रोज़ सुबह शाम एम्प्टी स्टमक लीजिए और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखिए और इन्जॉय करिए। तो दोस्तों, आपने देखा हमारी इम्यूनिटी कितनी हेल्दी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। आप इसे ट्राई कीजिए और हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई नई रेसिपी के साथ। और हाँ, प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलते चलते बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।